सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, बड़े पर्दे पर बॉलीवुड स्टार्स भले ही खुद को बड़े संस्कारी दिखाते हो और अपनी अच्छी इमेज पेश करते हो, लेकिन कई बॉलीवुड स्टार्स को क्राइम की वजह से जेल भी जाना पड़ा है। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बताएंगे जो अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जेल जरूर गए हैं कानून को अपने हाथ में लेने के कारण। नंबर एक, राज कुंद्रा। दोस्तों, शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। राज कुंद्रा पर पॉर्न फिल्में बनाने का आरोप लगाया गया है, जिसके कारण उन्हें जेल भेज दिया गया है। नंबर दो, शिल्पा शेट्टी। शिल्पा के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार करने के बाद मुंबई पुलिस अब शिल्पा शेट्टी के खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। मुंबई पुलिस का कहना है कि शिल्पा शेट्टी भी उनके पति के साथ इन सब में शामिल थी, जिसके कारण मुंबई पुलिस ने शिल्पा शेट्टी को 3 दिन तक जेल में रखा था। नंबर 3 पर है सलमान खान। सलमान खान के कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहे हैं, हिट एंड रन केस से लेकर 2 काले हिरन को मारने के कारण भाईजान को जेल भी जाना पड़ा था। नंबर 4, फरदीन खान। दोस्तों, साल 2001 में फरदीन खान पर ड्रग्स खरीदने का आरोप लगाया गया था और पुलिस ने उन्हें इसके कारण अरेस्ट करके जेल भी भेज दिया था। बाद में अपनी गलती मानने के बाद फरदीन खान को छोड़ दिया गया और उन्हें डी एडिक्शन ट्रीटमेंट से भी गुजरना पड़ा था। नंबर 5, संजय दत्त। राज कुंद्रा हिरानी ने संजय दत्त पर फिल्म बना दी है, जिसकी वजह से लोग उनके बारे में अब सब कुछ जानते हैं। मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद आर्म्स एक्ट के तहत इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। मुंबई सीरियल ब्लास्ट में 250 लोगों की जान गई थी, जिसके कारण इन्हें जेल भी हुई थी। नंबर 6, शाइनी आहूजा। इस बॉलीवुड एक्टर पर साल 2009 में अपने 20 साल की नौकरानी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। शुरुआत में तो शाइनी आहूजा ने खुद पर लगे इस आरोप को एक्सेप्ट नहीं किया था और खुद को निर्दोष बताया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने अपराध को मान लिया था। नंबर 7, नवाजुद्दीन की पत्नी ने साल 2018 में उन पर जासूसी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि नवाजुद्दीन ने उनके नंबर के कई सारे कॉल डिटेल्स हासिल कर लिए हैं। हालांकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इन आरोपों को झूठा बताया था, लेकिन फिर भी इन्हें 3 दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। नंबर 8, मोनिका बेदी। दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट से प्यार करती थी मोनिका बेदी, जिसका नाम था अबू सलीम। झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाकर घूमने के लिए उन्हें पोर्चुगल में 2 साल के लिए जेल में रहना पड़ा था। वहां से रिहा होने के बाद उन्होंने अपना एक्टिंग करियर की शुरुआत फिर से की, जबकि उनके एक्स बॉयफ्रेंड जेल में ही था। नंबर 9, शाहरुख खान। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में यह खुद बताया था कि एक जर्नलिस्ट को धमकाने की वजह से उन्हें एक बार जेल जाना पड़ा था। ये तब हुआ जब वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। नंबर 10, दीपिका पादुकोण। दोस्तों, हाल ही में मुंबई के नारकोटिक्स टीम ने दीपिका पादुकोण को 1 दिन के लिए जेल भेज दिया था। दीपिका पादुकोण पर ड्रग्स खरीदने का आरोप लगाया गया था। हालांकि दीपिका पादुकोण उन पर लगाए गए ये आरोप को सच नहीं मान रही थी। बाद में दीपिका पादुकोण से ड्रग्स के मामले को लेकर काफी देर तक पूछताछ की गई और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिसको एक बार जेल जाना पड़ा था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो दिल से एक लाइक कर देना और भी शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले।